हमारे सहयोगी मोहम्मद कलीम की रिपोर्ट के अनुसार कल्याणपुर में रहने वाले एक रिक्शा चालक की बेटी के साथ हुआ दुष्कर्म, दुष्कर्म की पुष्टि होने पर आरोपी को किया गया गिरफ्तार। हमारे संवाददाता योगेंद्र सिंह की रिपोर्ट के अनुसार कानपुर क्षेत्र के सिकंदरा थाना क्षेत्र के पास एक सरकारी लोडर ने मदरसे से पढ़कर आ रहे 10 साल के दानिश को रौंद दिया। नगर पंचायत की गाड़ी उसको रोने हुए निकल गई, हॉस्पिटल लेके पहुंचे तो उन्होंने रेफर कर दिया माती के लिए। तो माती पहुंचे तो माती से उन्होंने हेल्प के लिए कर दिया, तो रास्ते में बच्चा खत्म हो गया। तो जब लेके आए तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो हमने नगर पंचायत के सामने आके धरना कर दिया और लेके बैठ गए। हमें इंसाफ चाहिए। क्या क्या मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि उसके तीन तीन बहनें हैं छोटी छोटी, माँ पागल है, बाप गूंगा है, तो उसको इंसाफ मिल जाए, उसको रहने के लिए ज़िंदगी मिल जाए, और क्या चाहिए हमें? किसकी लापरवाही? किसकी? ये नगर पंचायत की लापरवाही है, जो इस तरीके से ध्यान नहीं देती और काम हो रहा है। जो चालक है, क्या मतलब गलती होगी? वो अनवेरी मतलब गाड़ी चला नहीं पाते, लाइसेंस कैसे मिल गया? अब ड्राइवर जे तो नगर पंचायत जाने, ड्राइवर कैसा रख रही हूँ जी? इनकी सोच है, लापरवाही है। अभी तक पुलिस ने क्या कहा? अभी पुलिस हमारे पास आई तो उन्होंने अभी हम उनको FIR देने के लिए हो रहे हैं। अभी तो नहीं दी हमने। वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई अभी। अगर नहीं आपको न्याय, आगे हम यहीं बैठेंगे, गुहार लगाएंगे ऊपर शासन प्रशासन को। जस्ट अभी बैठे ही हैं।
तो हमें सुबह की घटना थी शायद इसकी जानकारी शायद नहीं अभी तो नहीं कोई खराब नहीं है ना हमारे सहयोगी योगेंद्र सिंह की रिपोर्ट के अनुसार कानपुर के चमनगंज थाना क्षेत्र के डिप्टी पड़ाव पार्क के पास एक युवक ने किया युवती पर जानलेवा हमला। पुलिस मौके पर पहुंचकर युवती को मेडिकल के लिए ले गई और अब देखना यह है कि युवती को न्याय मिलेगा या नहीं।